पूर्वी मध्य प्रदेश में सूखा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश की स्थिति भिन्न भिन्न जिलों में अलग अलग है। जहां पूर्वी मध्य प्रदेश में 19% कम बारिश दर्ज की गई है, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कम बारिश। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। यहां सबसे कम बारिश रीवा में दर्ज की गई है, जहां 59% कम बारिश हुई है। अन्य जिलों में सीधी में 42%, उमरिया में 55% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि सिवनी और निवाड़ी में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, क्रमशः 19% और 18% अधिक बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थिति बेहतर है। सबसे ज्यादा बारिश श्योपुर में हुई है, जहां सामान्य से 60% अधिक बारिश दर्ज की गई है। ग्वालियर में 55%, भोपाल में 23% और शिवपुरी में 26% अधिक बारिश हुई है। नर्मदापुरम और हरदा में कम बारिश दर्ज की गई है, क्रमशः 36% और 34% कम, जबकि अन्य जिलों जैसे बड़वानी, भिंड और शाजापुर में औसत से अधिक बारिश हुई है। राज्य की औसत बारिश यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दीर्घावधि में 7% तक कम बारिश दर्ज की गई है। अभी तक राज्य में 289 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य स्थिति में 311 मिमी बारिश होनी थी। आगामी मौसम की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। राज्य सरकार और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठा रहे हैं।